उसका ये कि टेबल टेप्रोसिटी यहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है। वैसे तो ये कि मैं यहाँ मैयत करूँ यहाँ मैयत तो डिफरेंट है, हार्डली ये है कि टेबल टेप्रोसिटी आप उससे रखें जी कि फिक्स कर लेंगे मैंने 10 सेंटीमीटर्स के ऊपर लेना और फिर इसके ऊपर लगा कर यहाँ पे अपना फिता रखे दोनों साइड 10 रख लें 8 रख लें। मैंने वैसे रखा हुआ कि आप 10 सेंटीमीटर्स क्योंकि एक ही डिस्टेंस रखें दोनों तरफ और टेबल टेप्रोसिटी से नीचे, क्योंकि वरना आप एक पे एक को यहाँ मैयत करें एक को यहाँ मैयत करें तो डिफरेंट आएगा। अच्छा जी और क्या करें टोन देख लो जी सर, टोन का ये कि अगर ढीला छोड़ दें टांगों ढीला पे हाँ बिल्कुल ढीला छोड़ दें सर, सारे जॉइंट्स भी देख लेंगे हम इससे। इसको करने से पहले उनसे क्या पूछना चाहिए? आपके जोड़ों में दर्द या हलाने से दर्द तो नहीं है? तो बताइए ढीला छोड़ दें पैरों को सर, ये इनके पैर से मूवमेंट्स निकलेंगे इसी तरह। सर के पाँव में वैसे भी छोटे छोटे से ना यहाँ पे स्पॉट्स, ये देखें सर ये ना कलर चेंजिंग्स हैं ये सारे ऐसे स्पॉट्स, ये क्यों हैं? ये वैसे ही हो सकती है तो विद एजिंग है, विद एजिंग है प्रोबेबली, लेकिन अभी हम देखते हैं इंस्पेक्शन पूरा करते हैं। डिक्रीज का पता किससे लगेगा कि आप ऐसे मूवमेंट्स करा रहे होंगे तो इंक्रीज डिक्रीज में क्या होगा ऐसे करते हैं। टोन देख रहे टेम्परेचर टेंडरनेस पावर रेडी टोन देख रहे हैं और हमने बल्क मेजर कर लिया। सर टच एंड पेन सेंसेशंस कर लेंगे, टच एंड पेन सेंसेशंस कर लेंगे। अब आपने सर वो कॉटन स्वैब से फाइन टच कर लेते हैं, कॉटन स्वैब से आपने फाइन कर लेना जी दोनों चीज़ें। वैसे आइडली आपको पहले टेम्परेचर टेंडरनेस होते ही वो रिफ्लेक्सेस कर लेना, उसमें आप क्या क्या देखेंगे फुट में क्या देखेंगे वो जो आप बताने लगे थे कि मैं सर फाइन टच फाइन टच सर वो कॉटन स्वैब करके देखेंगे पहले स्टर्नम ठीक है अपना तो ऐसे आपको ना महसूस होगा कि अब आँखें बंद कर लें और आपने बताना है सर ये क्या पूछूँगे कहाँ पर आँखें बंद कर लें। अच्छा महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है आपको कुछ? नहीं महसूस नहीं हो रहा। अब इसको ऊपर लेते हैं, ऊपर लेते हैं यहाँ पे आँखें बंद कर लें यहाँ पे बायलेटरल करें बायलेटरल यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है अंकल से कहना जब महसूस होगा तो बता। ये तो महसूस होगा डॉक्टर साहब को दस्ते के इधर महसूस होगा दस्ते के महसूस ही यहाँ के इंटैक्ट है पहले ऊपर से। हाँ जी महसूस हो रहा है? हाँ जी ठीक। आप बोल रहे हैं? जी अब हो रहा है? अब तो नहीं हो रहा ये लग रहा है। अच्छा ठीक है सर, ये आपको पता कैसा लगेगा कि किस एरिया में लॉस है तो क्या हुआ? और तो अब आपको फुट के डर्मेटोम्स पता होने चाहिए कि इस एरिया में ये डर्मेटोम है, इस एरिया में ये डर्मेटोम है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। आइडली तो अगर आपने मतलब न्यूरोलॉजिस्ट बनना हो तो आपको आइडली सारे जुबानी याद होनी चाहिए, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये आइडिया ठीक है वो आपको ये पता होना चाहिए। ये आपने देख लिया सपोज, और इसके अलावा एक तो अपने टच का देख लिया, और क्या देखना है? पेन 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 के लिए आपने उसको हल्की सी पेन लगानी है, वी कैन यूज़ अ पेन इफ यू लाइक। पहले उनको बताएंगे आप थोड़ा सा इस तरह चुभे जाइए हल्का सा, हाँ इस तरह जो आप चुभे तो बताइएगा ठीक है? एक हाँ जी हुआ, हाँ जी अब हाँ जी हाँ ठीक है। तो इसका मतलब अंकल की टच की सेंसेशन भी ठीक है और अंकल की पेन की सेंसेशन भी ठीक है। इसके अलावा और क्या हमने देखा था? तो वाइब्रेशन और प्रोप्रिओसेप्शन है, प्रोप्रिओसेप्शन तो हम पैसा के वाइब्रेशन प्रॉब्लम है। हां अंकल ये आंखें खोलें, ये आपका अंगूठा मैं नीचे कर रहा हूं, ये ऊपर कर रहा हूं ठीक है। अब आप आंखें बंद करें और मुझे बताइएगा ठीक है? नीचे या ऊपर है? हां बताइएगा नीचे है कि ऊपर है, अब बताएं। हां जी नीचे हो, नीचे है कह रहे हैं, नीचे है। अब बताया ऊपर है, ऊपर ठीक है। पंजाबी भी अपनी प्रूव करने के लिए अच्छा और आगे जी आप आगे क्या करेंगे? वाइब्रेशन कर लेते हैं, हमने वाइब्रेशन भी कर ली। चलो जी वाइब्रेशन भी कर लेंगे, फिर
इसमें पहले अगेंस्ट रेजिस्टर से करा लो सर, अगेंस्ट रेजिस्टर से करूं सर, वैसे वर्बल कमांड नहीं काम करता, टांग ऊपर उठाए इकट्ठी कर ले ठीक है, तो इसका मतलब ये है ही कैन डू इट अगेंस्ट लेफ्ट, लो जी इनके टांग सीधी कर, टांग सीधी अब उन्हें कहेंगे मैं अब जोर लगा रहा हूं, मुझे आप टांग, अब आपने मुझे उठाया काम है कि उठा सर उठाए, तो ही कैन डू इट अगेंस्ट, इसका मतलब ये क्या है 5/5 थोड़ा सा बच्चों आगे हो तो जगह से अच्छा जी, अब आपने पावर चेक कर लिया, टोन चेक कर ली, आपने इंस्पेक्शन कर ली, अब आगे क्या करेंगे, वाइब्रेशन प्रोप्रिसेप्शन कर ली, रिफ्लेक्सेस सर वो रिफ्लेक्सेस करेंगे ठीक है, तो आपके पास हैमर भी होनी चाहिए कि आप एकदम जी आ नहीं रहा बताना कि हैमर भी होनी चाहिए ताकि आप रिफ्लेक्स कर सकें, बेबिंस्की अगर वैसे बेबिंस्की तो उसमें होता है सीएनएस में, और उसमें ये कि पेशेंट अगर थोड़ा सा अल्टर सेंसोरी में हो तो अच्छा जी, और क्या करेंगे, नहीं ये तो मेडिसिन नजर आ रहा है हमें तो हम फिर उसके ऊपर आप अगला कौन सा, ये अब उसकी तरफ आ गए, ये आपने देख लिया कि मसल इनका बराबर है, जनरलाइज वेस्टिंग है और कोई पिटिंग एडिमा नहीं, सॉरी पिटिंग एडिमा नहीं आ रहा, पिटिंग एडिमा भी देखा था साथ, अब स्किन से शुरू कर लें, स्किन का एग्जामिनेशन स्टार्ट कर, स्किन के एग्जामिनेशन में पिटिंग एडिमा नहीं आता, वैसे बाकी हमने सारा कर लिया है, उसमें जब आपने स्टार्ट में देखा था तो आपने देखा है कि एडिमा या पिटिंग एडिमा तो नहीं है, अंकल का वैसे एडिमा पिटिंग एडिमा दोनों तरह नहीं है, नहीं ठीक है जी, अब आपने करना है आर्टेरियल एग्जामिनेशन, सर आर्टरीज के पल्सेस देखूंगा, यस 240 स्पीड इधर आएगी, अच्छा पल्स ये ऐसे नहीं देखी, अच्छा पल्स ये इसकी बोन्स है ना, तो इसकी गेंस आपने ना यहाँ रखी है फील का, ठीक है यहाँ पे आप हाथ के पल्सेस तो कम से कम सारे फील कर, ये आपकी कौन सी पल्स है जो आपने फील की, ये बोन के ऊपर फील करनी, ये फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल के ना दरमियान में डिप करती है, तो आपने डिप करने से पहले उसको बोन पे फील करना, ये टिप कुछ के वैसे बोन है, एक ये वैसे बोन होती है, पल्स फील हो रही है, पल्स फील हो रही है, यहां पे कहां पे है, ये जनरली ये फर्स्ट मेटाटार्सल है, ये सेकंड मेटाटार्सल है, ये टार्सल्स के ऊपर ना यहां पे आकर यहां पे आपकी फील होती है, यहाँ पे इन दो बेसिकली टेंडन्स के दरमियान में रखी, इनकी टेंडन्स बड़े अच्छे लगे, ये स्वेलिंग ना एक तो मूवमेंट की वजह से भी हो सकती है, पोजिशनल भी हो सकती है, कोई ठीक है, डोर्सलस पीडियस फील कर ली, और क्या फील करेंगे, पीरियड हो रही है, वैसे अगर आमतौर पर ये तो पल्सेस आ रही हो ना, इसका मतलब ऊपर वाली पल्सेस तो आ रही है, अनलेस एक पल्स ब्लॉक हो के उसको बायपास ना हो, ये सर अगर ये वाली चेक कर लें, ऊपर वाली करनी है, तीनों उंगलियों से सारी कर, सारी कर, ये चेक कर लें, ऊपर ले चेक कर लें, ये चार तो पल्सेस हैं, अच्छा जी सारों ने देखी जी, जो प्रोसीजर टीपीएल है ना वो आपको ये जो आपका कैलकेनियम का हेड है और मेटाटार्सल का जो है मीडियल है, मीडियल मेलोलस, इनके अगर आप लाइन ड्रॉ करें इनके दरमियान में यहाँ पे करके आपको फील होगा, प्रोसीजर टीपीएल थोड़ी सी आपने फ्लेक्स कर लेनी 15 डिग्री के ऊपर, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने पीछे अपने दोनों फिंगर्स डाल के इसके ऊपर डेप्थ में होगी, तो ये प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फील हो जाएगी, ये फील करें से ये भी हो जाएगी, इसमें जब आप ये करेंगे तो एक तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी ना इंस्पेक्शन पेशेंट होगी, किसी से करें आप उसको फ्लेक्स करके जो ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, तो उससे उसका भी पता लग जाएगा, इसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं, कोई एनरिज्म तो नहीं बना हुआ, दोनों तरफ जिंदा फिर तो आएगी ही आएगी, पता चल रहा सर, नहीं पता चल रहा दरमियान में हो उसका थोड़ा डेप्थ में है, थोड़ा सा पुश करें हाथ अपना सेंटर में रख के, वैसे वह होती थोड़ी सी राइट साइड पे लेकिन फिर भी आप सेंटर में रखते, इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं करना, फिर वही बात तो मेरी उंगली देखो, जहाँ मेरी उंगली पड़ी है यहाँ से सब अच्छे करते टेस्ट करना पड़ेगा हो रही है तो नीचे करते हैं।
और वैसे आइडली ना ये जो इसका है टीबियल फाइब्रोसिस की उसके अगेंस्ट फील करेंगे ज्यादा अच्छा। ये दोनों हाथ का दोनों हाथ रखते हैं मतलब फील से ऐसे करेंगे ना मतलब फील करेंगे अच्छी लगती है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है ये बहुत अच्छी है ये उससे ज्यादा अच्छी आ रही है जैसे जिसने करना है आज फील कर कर लो आज ये तो जाने चेक करते हैं उधर से नहीं इधर से आके आराम से इसको खड़े होके ये ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी फील होगी बड़ी अच्छी आ रही है तो फैमिल है ना वो अपने उसको घर नहीं आ रहा उधर इधर आ गया वो इधर नहीं करना साइड में नहीं नहीं क्यों नहीं वह होते हैं ये आप अंदाजा लगा लेंगे आपका डीजे मिक्स मीटिंग वाले पर कर दिए मीटिंग वाले पार्टी ये कर दिया ऊपर यहाँ पे इसमें लो लिमिट आपने इंक्वायरी देखी है इनके चेन होती है वो वर्टिकल ग्रुप होता है हॉरिजॉन्टल ग्रुप इस तरह जा रहे होते हैं और वर्टिकल ग्रुप पे वैसा नीचे उन सारों को आपने कंप्लीट कर दी इस पर यहाँ पे अगर इनका फलाना से अगर अल्सर वगैरह बना होता तो फिर आपने ना अल्सर की एग्जामिनेशन कर दी अल्सर की एग्जामिनेशन में भी आपने सारा आर्टीरियल वीनस सिस्टम अल्सर की एग्जामिनेशन में बेसिकली अल्सर है प्लस आर्टीरियल वीनस एंड नर्वस सिस्टम तो आपने सेंसेशन चेक करनी है वाइब्रेशन चेक करनी है आर्टीरियल चेक करनी है सारा कुछ चेक करना है वेरिकोज वेन चेक करनी है तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोअर इंजन एग्जामिनेशन उसमें लेकिन अल्सर का आपने देखना है कि जी उसकी साइज़ कहाँ है शेप कैसी है बनावा कहाँ पर मीडियल साइड पर बिल्कुल मीडियल मार्जिन पे है कि लेटर मार्जिन के ऊपर है ठीक है और एक है कि दो तीन बने हुए हैं और बाकी यहाँ स्किन की हाइपरट्रॉफी वगैरह ये होती है वो जो पेशेंट उस दिन आया था ना उसकी बेसिकली स्किन सारी थिक हुई हुई थी वो क्रॉनिक वीनस अल्सर का पेशेंट इसलिए वो मैंने कहा था वो आप लोगों को कराने का फ़ायदा नहीं तो स्किन एक तरफ बिल्कुल नॉर्मल होगी दूसरी तरफ यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक पिंपड़ी होगी और सिल्वर बीच में पार्ट्स आ रहे होंगे वो वीनस हाइपरटेंशन की वजह से ठीक है जी। बेस मार्जिन फ्लोर का ये कि जो फ्लोर है ना वो ये है जो सामने सपोज कर लें ये अल्सर है ठीक है तो ये इसकी जो है ना वो फ्लोर है बेस का मतलब ये है कि इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है ये गद्दा इसकी बेस है और ये जो है ना ये इसका जो नज़र आ रहा है बिल्कुल ये नज़र जो आ रहा है ना वो फ्लोर है जो इसके नीचे पड़ा हुआ है वो बेस है तो नज़र नहीं आ रहा उसको डिस्क्राइब कैसे करें उसको डिस्क्राइब नहीं उसको फील करके बताते हैं कि बेस में ये लगता है कि हार्ड है कि या फिक्स है सर और मार्जिन और एजेस में क्या डिफरेंस है मार्जिन एजेस में ये कि मार्जिन जो है ना ये जो ऐसे करके जा रहे हैं ये इसका मार्जिन है अंदर की तरफ से जैसे स्लोप करके जा रही है इसका ठीक है और एज ये है कि जो एज जो इसकी ये साथ में नॉर्मल टिश्यू पड़ा हुआ है ना तो जो नॉर्मल टिश्यू के साथ इसका एरिया हुआ है पहले मार्जिन आएगा मार्जिन और एज फिर एज आएगा एज के ऊपर से कहते हैं ना फॉल ऑफ द एज मार्जिन एज वो है जहाँ पे उनको जंक्शन आ जाता है और उससे जो पहले एरिया वो मार्जिन जंक्शन ऑफ नॉर्मल और एब्नॉर्मल जो मार्जिन हो गया एज फिर मार्जिन आएगा फिर फ्लोर और फिर बेस पेनफुल होता है तब भी हम करते हैं अगर पेनफुल हो तो इतना करना है कि उसको ज़्यादा पेन ना आए मतलब थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं तो जी अंकल बहुत शुक्रिया आपका पर्ची छोटी वाली।